चलिए रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। जालौन जिले के कोच तहसील क्षेत्र स्थित नून नदी के क्षतिग्रस्त पुल का डीएम राजेश कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने क्षतिग्रस्त पुल को जल्द बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने नून नदी पर छोटे छोटे चेक डैम भी बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से एट कोच मार्ग पर पिछले कई दिनों से आवागमन बाधित कर रहा है, जो भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में टूट गया था। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां आठा थाना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 5 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस चोरों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी और तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये चोर जालौन और हमीरपुर जनपद में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। आज थाना आटा एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है, जिसमें इस संयुक्त टीम द्वारा जो अंतर जनपदीय गिरोह था चोरों का, आज उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो चोरी का माल था जेवरात थे सोने चांदी के, नकदी थी, अवैध असला कारतूस और कारों जो सॉरी मोटरसाइकिल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है और ये शानदार सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं थाना आटा पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को बधाई देता हूँ। सर, कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई? इसमें हमने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है सत्येंद्र राजपूत, जितेंद्र अहिरवार, रविंद्र कुमार, रविंद्र खटीक और दिलीप राजपूत। एक इसमें लोकल है दिलीप राजपूत और अधिकतर लोग ये हमीरपुर जनपद हमीरपुर के निवासी हैं। ये बड़े अपराधी हैं, इनका जो आपराधिक इतिहास देखने पर ज्ञात होता है। एक के विरुद्ध करीब 22 मुकदमे हैं और एक के विरुद्ध 15 मुकदमे हैं। ऐसे ये बड़े अपराधी हैं, पुराने अपराधी हैं, व्यस्त अपराधी हैं। तो सर, अपने यहाँ किन किन क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया अभी तक? इन लोगों ने एक तो कैटा में जो चोरी हुई थी 9 अगस्त की रात्रि को, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 118/24 305 AVNS में पंजीकृत हुआ था, जिसमें इन चोरों द्वारा 3 घरों में जो बक्से और अलमारी थी उनको तोड़कर चोरी की थी। साथ ही इनके द्वारा जो कदौरा थाने में बबीना में भी चोरी की गई थी, तो वो सबका माल जो चोरी का माल है वो हमने बरामद किया है। आज थाना आटा एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को शानदार सफलता हासिल हुई है, जिसमें इस खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां रामपुरा थाना क्षेत्र में ईंटों से भरी ओवरलेड ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत पोल से टकराकर पलट गई। इस दौरान विद्युत पोल के चपेट में आकर 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर विद्युत पोल से टकरा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भट्टे पे गया था सोनू दुबे की भट्टे, सोनू दुबे घर से लेवा के ले गए उसको कि चलो हमारे भट्टे पे गुम्मा डालने, तो वहाँ से आ रहा था, एक खम्मा रास्ते में मिला तो वो खम्मा टूट के उसके ऊपर गिरा ट्रैक्टर के ऊपर, तो उसी से मृत्यु हो गई। क्या विद्युत विभाग का खम्मा था? विद्युत विभाग का खम्मा था। कितने दिन से वहाँ भट्टे पे काम कर रहा था? अभी 2-3 दिन हो गए हैं, जबरदस्ती लगा के गए हैं घर से। हाँ, 2 लोगों को लाया गया है यार, एक है सोनू सन ऑफ गोविंद सोनकर और दूसरे हैं संजीव सन ऑफ कमलेश दोहरे। दोनों का एक्सीडेंट के कारण लाए गए थे डायर कंडीशन से और परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया, दोनों ही मृत अवस्था में लाए गए थे। भट्टे पे गया था सोनू दुबे की भट्टे, सोनू दुबे घर से लेवा के ले गए उसको कि चलो हमारे भट्टे पे गुम्मा डालने। वहीं जालौन जिले के कोच कोतवाली में लगे वायरलेस टावर पर भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से कोतवाली में अफरा तफरी मच गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वायरलेस टावर के साथ साथ कोतवाली में लगे एसी कंप्यूटर सहित कई उपकरण जल गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग एई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कानपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने जेई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अनोगी फीडर के जेई भूपेंद्र चौधरी ने 2 किसानों से रिश्वत मांगी थी। घरेलू कनेक्शन के नाम पर उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
जिसके बाद टीम ने गिरफ्तार कर जेई से बंद कमरे में पूछताछ की। तो वहीं जेई के समर्थन में आए एसडीओजी ने कहा कि घर घर से बकाया वसूली हो रही है, जेई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल पर जाएंगे। मामला जानकारी में आए कि एंटी करप्शन द्वारा हमारे जेई साहब हैं भूपेंद्र कुमार कौशल, जो बहुत सीधे हैं, आज राजा सोसाइटी में निकले हुए थे, उनको किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती पैसा देकर फंसा दिया गया, जबकि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि घर घर जाके पैसा जमा कराइए। अब मौके पर कोई काउंटर रहता ही नहीं, ना प्रिंटर रहता है, पैसा ले आके ऑफिस में जमा कराते हैं काउंटर पे, उस पर पैसा देने जाते हैं उसी बिहाफ पे, और किसी ने शिकायत करी कि पैसा मांग रहे हैं, जब कनेक्शन का पैसा था, जो बिल का पैसा था उसका पैसा वो लिए हुए थे, और यहाँ पर चोरी का इल्जाम लगा के उनको फंसा दिया गया है। कौन सी टीम थी, कौन लोग थे? ये जानकारी एंटी करप्शन कानपुर की टीम है। आप लोगों ने बात नहीं की थी, क्या कर बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से शिकायत हुई, शिकायत कोई दिखा नहीं रहा है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मामला जानकारी में आया कि एंटी करप्शन द्वारा हमारे जैसा